हमारे प्यारे कौमी शायर इलामा इकबाल ने नौजवानों के लिए फरमाया कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे सदियाँ गुजर गई, सजदों से तेरे सदियाँ गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। मैं इलाही हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ कराची वुमेंस चैम्बर, और मैं ये एक ज़रूरी पैगाम देना चाह रही हूँ कि हम आज एक एजुकेशन के हवाले से गिराज स्कूल आए हैं, और एजुकेशन गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत सख्त ज़रूरी और अहम एक सब्जेक्ट है, क्योंकि इसी से ये लोग आगे जाएंगे, इसी में से ये एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, कोई ना कोई डॉक्टर्स बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे, और ये मुल्क की खिदमत करेंगे। तो मेरा ये पैगाम इन बच्चों के लिए भी और आप सब के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में नहीं डाला, कि फौरन और जितनी जल्दी हो सकता है आप अपने बच्चों को इनरोल कराएँ और उनको एजुकेट करें। दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आगे वो अपनी बिजनेस भी कर सकते हैं। हम चैम्बर हैं, हम वुमेंस चैम्बर हैं, और हम बहुत सी ख़वातीन को दावत देते हैं जिन्होंने अभी तक चैम्बर को नहीं ज्वाइन किया, वो भी हमें ज्वाइन करें, और जश्न आज़ादी आप सबको और ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन को मुबारक। प्रिंसिपल ऑफ द गिराज स्कूल, और हम लोग कैटर कर रहे हैं बच्चे फ्रॉम द शाह रसूल कॉलोनी एंड नीलम कॉलोनी। हमारे पास तकरीबन 550 से 600 बच्चा पढ़ता है, और हम उनकी हर ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, उनके यूनिफॉर्म से लेकर, उनके लंच टाइम से लेकर, उनकी किताबों से लेकर, उनके घरों के मसाइल तक, और बहुत सी चीज़ें हम ज़रूरियात की उन्हें मैसर करवाते हैं। इस साल हमारे लिए 14 अगस्त थोड़ा सा डिफरेंट है, और हम डिफरेंट तरीके से मना रहे हैं। एज़ यू कैन सी, हम लोग बहुत ही कम बच्चों के साथ इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करनी है, SOPs के साथ रहते हुए उसको फॉलो करते हुए हम इन बच्चों के साथ आज 14 अगस्त की खुशियां मना रहे हैं। आज हम दुआ करते हैं पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, वो लोग जो बहुत ही मुसीबत में, परेशानी में हैं, ताकि अल्लाह सबको राहत और सुकून मुयसर करें। आमीन। मेरी तरफ से आप सबको सलाम, मैं देगीराज स्कूल से बात कर रही हूँ, और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। और आज हम अपने स्कूल में प्रोग्राम कर रहे हैं, और हम लोग ग्रीन एंड वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, हमने बहुत से मिली नगमे भी गाए हैं। स्कूल की जानिब से बात कर रही हूँ, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज जश्न आज़ादी है, और हम सब जश्न आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन उस तरह से नहीं मना रहे जैसे कि हर साल मनाई जाती है जोश व खरोश से। कोरोना जैसी वबा की वजह से हम लोग अब एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहकर हर चीज़ मना रहे हैं, लेकिन गिराज स्कूल हर चीज़ में आगे रहता है, तो इस दफ़ा भी आगे रहा है।
हम शुक्र गुज़ार अदा करते हैं मैम शबीना मुस्तफ़ा का, जिनकी वजह से हम ये सारी चीज़ें मनाते हैं। आज भी आप देख सकते हैं कि मेरे साथ बहुत के साथ हम 14 अगस्त मना रहे हैं। एक बार फिर से मैम शबीना का थैंक यू अदा करते हैं और आप सबको हम सब की तरफ से दिली तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। थैंक यू। अगर आज स्कूल में मना रहे हैं और हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस कम्युनिटी को ताकि मोटिवेशन मिले, और उसबी के साथ जो है हम ये सेलिब्रेट करते हैं हर साल, और माशाल्लाह से आज हमें एक नया एक्सपीरियंस मिला है कि आज हम एक अपनी ऐसी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे में, लड़कियों को सपोर्ट करना ताकि वो इतनी मोटिवेट हों और हमारे कौम की खिदमत करें और अपना एक मेन रोल अदा करें, क्योंकि एक औरत ही, एक बच्ची ही या एक लड़की ही अपने ख़ानदान को पूरा ले कर चल रही होती है। सब नाज़मे बात कीजिए, उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।